आज हम लोग करेंगे WriterZen का डिटेल्ड रिव्यू। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैं डिजिटल टूल्स और सर्विसेज के बारे में बात करता रहता हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं WriterZen के बारे में। ये एक टूल है जो कि कीवर्ड रिसर्च के लिए और कंटेंट क्रिएशन के लिए यूज़ किया जाता है। इनके फाउंडर के अकॉर्डिंग इसको 3 साल पहले साउथ ईस्ट एशिया मार्केट में लॉन्च किया गया था। अब धीरे धीरे इसको वर्ल्ड वाइड यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है। तो अभी ये मिल रहा है आप लोगों को ऐप सुमो की डील के ऊपर। ये एक लाइफ टाइम डील है। तो आज हम लोग इसी टूल के बारे में बात करेंगे, क्या ये आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्या इसके प्रोज है, क्या इसके कॉन्स है। ये एट प्रेजेंट मिल रहा है $69 में। एंड द गुड थिंग इज़ कि यहाँ पर और कोई एडवांस नहीं है, सिर्फ $69 की एक ही प्राइसिंग है और 60 डे मनी बैक गारंटी भी है। इसमें आपको लाइफ टाइम एक्सेस भी मिल रहा है और ये कुछ यहाँ पे लिमिट्स है, लिमिट्स के बारे में हम लोग आगे चल के बात करेंगे। तो जैसे ही आप लोग WriterZen पे लॉगिन करेंगे आपको इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस दिखेगा। 3 मेन चीज़ें हैं यहाँ पर, टॉपिक डिस्कवरी, कीवर्ड एक्सप्लोरर और कंटेंट क्रिएटर। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं टॉपिक डिस्कवरी के बारे में। जैसे ही आप लोग टॉपिक डिस्कवरी पे जाओगे इस तरह का यहाँ पर आपके पास स्क्रीन आ जाएगी। बेसिकली यहाँ पर हम लोग कोई भी टॉपिक एंटर करते हैं, देन इसके बाद जो WriterZen का एल्गोरिदम है वो 100 URLs को यहाँ पे सर्च करता है, देन उसमें से देखता है कि लोग उस टॉपिक के बारे में कौन कौन से सब टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, कौन से वहाँ पर एक्सटेंडेड कीवर्ड है जहां पर यूज किया जा रहा है। तो वो ऐसे टोटल 100 URLs को यहां पे स्कैन करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे ट्रैवल बैग्स डालूं तो इसने यहां पे सारे स्कैन कर लिए एंड देन उसके बाद इसने ये सारे कीवर्ड्स निकाले हैं कि ठीक है ट्रैवल बैग्स यहाँ पर जो मेरा मेन टॉपिक है। अब इसके अराउंड और कौन कौन से टॉपिक के ऊपर बात हो रही है, वाटरप्रूफ ट्रैवल बैग्स, हाँ ये एक अच्छा आइडिया है, पिंक ट्रैवल बैग्स, मतलब इसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि एक्चुअल में पीपल आर सर्चिंग फॉर पिंक ट्रैवल बैग्स, बट हाँ पीपल यहाँ पे देख रहे हैं। देन लग्जरी, देन टॉमी हिल्फिगर, ठीक है, डे बैग, ड्रेस बैग, और यहाँ पर रेलिवेंसी है। रेलिवेंसी मीन्स यहाँ पे मीडियम है, फिर देन यहाँ पे वाइडली है, मतलब शायद से वो डायरेक्टली उससे रिलेटेड नहीं हो बट फिर भी वो बता देगा। जैसे अगर यहाँ पे मैं नीचे आऊँ, जैसे TSA अप्रूव्ड टॉयलेटरी, ये भी एक कीवर्ड हो सकता है। लाइट वेट कैबिन लगेज, इट्स अ नाइस कीवर्ड। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको बहुत सारे कीवर्ड्स आइडिया मिल जाते हैं जो आपका मेन टॉपिक है। अगर आपको कीवर्ड आइडिया देखने हैं, टॉपिक डिस्कवरी देखनी है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड देन ऑर्डर बाय मैं इसको कर सकता हूँ, रेलिवेंसी या फिर सर्च वॉल्यूम। जैसे अगर मुझे चाहिए कि जिसकी सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो वो आप मुझे बताओ, तो सफारी सूटकेस। एंड देन यहाँ पर आपको माइंड मैप भी मिल जाता है अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं तो। उसके बाद अगर जैसे ही मैं यहाँ पे शो आइडियाज़ पे क्लिक करूँगा तो पहले तो ये मुझे हेडलाइंस बता देगा कि ये बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो ऑलरेडी हैं वेब के ऊपर। तो इसने ये मुझे यहाँ पर ऐसी कुछ हेडलाइन सजेस्ट कर दिए। देन गूगल सजेस्ट यहाँ पे क्या कहता है उसके बारे में, ट्रैवल बैग्स के बारे में क्या क्या यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रीपोजिशन, कंपेरिजन, सब कुछ वो मुझे यहाँ पे डिटेल में बता देता है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है अगर आपको नए कीवर्ड्स ढूंढने हैं अपने टॉपिक के अराउंड, और आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा कि दूसरे लोगों ने क्या लिखा है। जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ, जैसे बहुत सारे दूसरे आर्टिकल्स हैं तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि दूसरे लोगों ने क्या लिखा है, और अगर मैं उससे अच्छा लिख सकता हूँ तो फिर मैं इन हेडलाइंस के ऊपर काम कर सकता हूँ। देन हम लोग आते हैं इसके अगले फीचर के ऊपर, वो एक कीवर्ड एक्सप्लोरर जो कि इस टूल का मेन फीचर है। कीवर्ड एक्सप्लोरर पे जैसे ही आप लोग यहाँ पे न्यू कीवर्ड पे क्लिक करोगे इस तरह का UI आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग कोई भी कीवर्ड्स डाल के सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डालता हूँ ट्रैवल बैग्स, फिर कौन सी कंट्री के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, फिलहाल मैं यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ, इंग्लिश में चाहिए, जी हाँ, सर्च करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर पहले तो मुझे यहाँ पे सर्प ओवरव्यू दे देता है, ये मुझे ज़्यादा काम का नहीं लगा है। यहाँ पे सर्च वॉल्यूम वगैरह आपको दिख जाती है, CPC दिख जाता है, कीवर्ड आइडियाज़ दिख जाते हैं। जैसे ही हम लोग यहाँ पे नीचे आते हैं यहाँ पर आपको सर्च वॉल्यूम दिख जाती है कि हर मंथ उसकी कितनी वॉल्यूम थी, कब ये ट्रेंड में करता, कब ये ट्रेंड करता है, कब ये वापस डाउन जाता है। एंड देन यहाँ पे गूगल ट्रेंड्स का भी डेटा हमें दिखा देता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर अभी फ़िलहाल इनका ग्राफ लोड नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पर हम लोग नीचे आ जाते हैं कीवर्ड डेटा, एंड देन ये रहा हमारा मेन कीवर्ड डेटा। सो ये कुछ इसने यहाँ पे सजेस्टेड कीवर्ड्स बता दिए हैं, ट्रैवल बैग्स फॉर मेन, ट्रैवल बैग्स फॉर गर्ल, क्या उसकी वॉल्यूम है। और अगर मुझे यहाँ पर इसका देखना है कीवर्ड डिफ़िकल्टी, तो जैसे मैं यहाँ पे टच करूँगा ट्रैवल बैग फॉर गर्ल्स, ये यहाँ पे मुझे कीवर्ड डिफ़िकल्टी दिखा देता है। नाउ इनकी जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी है अलग अलग तरीके से मेजर करते हैं, जैसे कीवर्ड बाय एडवर्ड्स, एडवर्ड मीन्स जो भी एड्स आते हैं उसके ऊपर कितनी डिफ़िकल्टी रहेगी। जो मेन चीज़ है अगर मुझे यहाँ पे SEO करनी है तो व्हाट आई विल लुक एट इज कीवर्ड डिफ़िकल्टी बाय कॉन्टेंट, जो कि 10 है, जो कि अच्छी बात है। देन यहाँ पर ट्रैवल बैग्स फॉर वुमेन, अब जैसे यहाँ पर मैं ट्रैवल बैग्स पे देखता हूँ हम लोग इसकी भी कीवर्ड डिफ़िकल्टी देखते हैं, तो इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी बाय कंटेंट इज 73, तो काफ़ी हाई है। तो मैं इसको यहाँ पे टारगेट नहीं करूँगा, मैं ऐसे ही ढूंढूंगा जहाँ पे कीवर्ड डिफ़िकल्टी बाय कंटेंट जिसकी कम हो। और यहाँ पर आपको फ्रेज मैच भी देखने को मिल जाता है, फ्रेज मैच मीन्स ट्रैवल बैग्स है तो यहाँ पर जितने भी ट्रैवल बैग्स रिलेटेड कीवर्ड्स है वो आ जाएंगे जिसमें पहले ट्रैवल बैग्स रहेगा।
एंड देन हमारे पास यहाँ पर हैविंग सेम टर्म्स आ जाता है, मीन्स ट्रैवल बैग्स है जो वो अलग अलग जगह पे चला जाएगा, जैसे किड्स ट्रैवल बैग्स हो गया, वाइल्ड क्राफ्ट ट्रैवल बैग्स हो गया, तो यहाँ पे ट्रैवल बैग्स पीछे आ गया। या फिर बीच में भी आ सकता है स्मॉल ट्रैवल बैग फॉर लेडीज, दिस इज अगेन अ गुड कीवर्ड। 72 इसकी सर्च वॉल्यूम मुझे बता रहा है। कीवर्ड डिफिकल्टी की बात करूँ तो कीवर्ड डिफिकल्टी बाय कॉन्टेंट इज जीरो, अमेजिंग। मैं इसको यहाँ पर टारगेट कर सकता हूँ, काफ़ी अच्छा नीच है ट्रैवल बैग के ऊपर, मैं पूरी वेबसाइट बना सकता हूँ। ऑल्सो सर्च फॉर, अगर ट्रैवल बैग्स की बात करें तो यहाँ ऑल्सो सर्च फॉर ये उसके रिलेटेड भी बता देता है कि ट्रॉली बैग्स है, ट्रैवलिंग बैग्स है, ट्रैवल बैकपैक है, किट सूटकेस है, तो ये काफ़ी अच्छे अच्छे कीवर्ड्स यहाँ पर आपको सजेस्ट कर देता है। एंड देन हमारे पास इंक्लूड एक्सक्लूड, अगर आपको कोई कीवर्ड चाहिए, जैसे मैं चाहता हूँ कि जिसमें भी यहाँ पर बेस्ट हो सिर्फ वही आए, तो मैं यहाँ पर बेस्ट डाल दूंगा, तो जो भी कीवर्ड में यहाँ पर बेस्ट होगा वो आ जाएगा। जैसे ट्रैवल बैग बेस्ट, ट्रैवल बैग बेस्ट प्राइस, बेस्ट ट्रैवल बैग्स फॉर मैन, तो इस तरीके से आपको कीवर्ड आप लोग यहाँ पे इंक्लूड एक्सक्लूड कर सकते हो, वॉल्यूम से फिल्टर कर सकते हो, सीपीसी से फिल्टर कर सकते हो, वर्ड काउंट देख सकते हो। अगर आपको यहाँ पे लॉन्ग कीवर्ड्स टारगेट करने हैं, तो जैसे 5 कर दिया मैंने, तो ट्रैवल बैग्स फॉर अमेरिकन टूरिस्टर, तो ये यहाँ पे इसने मुझे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स दे दिए हैं। देन यहाँ पर आपको ESP के मिल जाता है, मींस एस्टिमेटेड सेल्स पर कीवर्ड। नाउ ये इनका खुद का एक मेजरमेंट है कि अगर मैं ये वाले कीवर्ड के लिए रैंक कर गया तो मुझे यहाँ पे कितनी सेल्स मिलेगी महीने के अंदर, तो 526 इनका अंदाज़ा है कि मिलनी चाहिए। तो एक बड़ा ही रफ नंबर इन्होंने यहाँ पे निकाला है, क्या एल्गोरिदम यूज़ करिए नहीं पता। फिर यहाँ पे कीवर्ड ट्रेंडिंग है, ये अगेन काफ़ी अच्छी चीज़ है, जो कीवर्ड्स यहाँ पे ट्रेंड में जा रहे हैं, जैसे मैंने चलो ट्रैवल बैग्स यहाँ पे सर्च कर लिया, देन यहाँ पर अगर मैं ट्रेंडिंग पे क्लिक करता हूँ तो ट्रैवल बैग फॉर डॉग्स ये ट्रेंडिंग में इंक्रीज़ हो रहे हैं, पहले 320 अब देन ये इंक्रीज हो रहा है। ट्रैवल बैग लुइस विटॉन, ठीक है, ट्रैवल बैग कॉम्बो, ये भी ट्रेंडिंग में है, मींस जिसकी कीवर्ड सर्चेस इंक्रीज हो रही है वो सारे आपको यहाँ पे ट्रेंडिंग कीवर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। अच्छी चीज़ लगी है मुझे ये। अब यहाँ पर एक मेन क्वेश्चन ये आता है कि ये कीवर्ड का जो डेटा है ये कहाँ से सोर्स कर रहा है, जो ये एस्टिमेट्स बता रहा है ये कहाँ से बता रहा है, तो इनके अकॉर्डिंग ये लोग यूज़ कर रहे हैं गूगल का कीवर्ड प्लानर, एंड देन इसके ऊपर ये लोग कुछ अपने जो एल्गोरिदम्स है वो सब लगा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे रिसर्च करके देखी, मैंने एक ही सेम कीवर्ड को WriterZen में यूज़ किया, HREFs में यूज़ किया, एंड देन Uber सजेस्ट में भी यहाँ पर मैंने यूज़ किया। तो जो मेरा कीवर्ड था वो था ट्रैवल बैग्स विथ व्हील्स, तो यहाँ पर इसने कीवर्ड डिफिकल्टी मुझे बताई है इसकी 4 है बाय कंटेंट में, इसकी एवरेज सर्च वॉल्यूम है वो है 3600, एंड देन जब यही मैंने Uber सजेस्ट में किया ट्रैवल बैग विथ व्हील्स, तो यहाँ पर अगेन मुझे सर्च वॉल्यूम सिमिलर ही मिली है, और SEO डिफ़िकल्टी इनके हिसाब से यहाँ पर ज़्यादा है इस कीवर्ड की, और जब मैंने इसको यहाँ पर HREFs पे किया तो इनके हिसाब से वॉल्यूम इसकी 150 है और क्लिक्स इसके कम है, एंड देन कीवर्ड डिफ़िकल्टी इसकी ईजी है। तो अब आपको यहाँ पे किसकी बात माननी चाहिए वो आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन ये जितने भी टूल्स हैं ये सब आपको एक एस्टिमेट ही देते हैं, तो अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हो तो ठीक है, इट्स अ गुड एस्टिमेट, आप लोग इसको कंसिडर कर सकते हो। Uber सजेस्ट और WriterZen दोनों में मुझे लगभग यहाँ पर सिमिलर डेटा ही मिला है। अब बात करते हैं हम लोग इसके सबसे अच्छे टूल के बारे में, वो है allintitle। allintitle बेसिकली हमें ये बताता है कि जैसे मान लो ये वाला मेरा कीवर्ड है ट्रैवल बैग फॉर डॉग्स, तो ऐसी कितनी वेबसाइट है जिसने एग्जैक्टली यही कीवर्ड का यूज़ किया है, उससे हमें यहाँ पे निकल के मिलता है कीवर्ड गोल्डन रेशियो। अब मैं उसको यहाँ पे क्विकली एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ट्रैवल बैग विथ व्हील्स में 3500 ऐसे आर्टिकल्स है जिसने एग्जैक्टली इसी कीवर्ड का यूज किया है, तो कीवर्ड गोल्डन रेशियो बेसिकली ये देखता है कि ऑल इन टाइटल कितने हैं और सर्च वॉल्यूम उसकी कितनी है। अगर यहाँ पे सर्च वॉल्यूम ज्यादा है और ऑल इन टाइटल कम है तो इसका मतलब इसको यहाँ पर टारगेट किया जा सकता है, यहाँ पर आपके रैंक करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। कीवर्ड गोल्डन रेशियो के बारे में आप लोग थोड़ा गूगल कर लीजिए अगर आपको नहीं पता हो तो बेसिकली अगर ये 25 के नीचे है तो काफ़ी अच्छा कीवर्ड ये बन जाता है, जितने भी KGR 25 के नीचे हैं। तो मैं यहाँ पर इसको सॉर्ट करके देखता हूँ, 100, 0, 0, तो ये कुछ यहाँ पर अच्छे कीवर्ड्स निकल के आए हैं, फ्लिपकार्ट जी नहीं, ट्रैवल विथ व्हील्स, स्काई बैग, सर्च वॉल्यूम इसकी लेकिन सिर्फ 40 ही है। तो सर्च वॉल्यूम अब मैं यहाँ पर एक फ़िल्टर भी यहाँ पे सेट कर देता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ सर्च वॉल्यूम जिसकी एटलीस्ट 50 रहे, अप्लाई, ठीक है। 23 kg लगेज बैग, नाइस कीवर्ड, 320 वॉल्यूम है इसका, ऑल इन टाइटल सिर्फ 3 है, तो काफ़ी अच्छा कीवर्ड है, मैं इसको टारगेट कर सकता हूँ एंड मेरे यहाँ पे रैंकिंग के चांसेस काफ़ी इंक्रीज हो जाएंगे। सो KGR स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी रहती है, लेकिन ये हर नीश के लिए काम नहीं करती है, आपको यहाँ पे हिट एंड ट्रायल करके देखना पड़ेगा कि ये आपके लिए काम कर रही है कि नहीं कर रही है, बट हाँ अच्छी रहती है, स्पेशली बिगनिंग में जब आपके पास कोई बैकलिंक्स नहीं होते हैं। तो इसके बाद हमारे पास आता है कीवर्ड इनसाइट। कीवर्ड इनसाइट यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दे देता है कि किस तरीके यहाँ पे क्वेश्चंस है जो आप लोग इंक्लूड कर सकते हो, जैसे ट्रैवल बैग्स पे अगर मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ तो क्वेश्चंस दे देता है, प्रीपोजिशंस, कंपैरिजंस, एंड देन अल्फाबेट के ऊपर, एंड देन न्यूमेरिकल भी यहाँ पर कुछ है सजेस्ट कर देता है। तो मैं चाहूँ तो इनके ऊपर एक सेपरेट आर्टिकल भी बना सकता हूँ, या फिर अगर मुझे ये रिलेटेड लग रहे हैं तो मैं उसी आर्टिकल में इसको इंक्लूड भी कर सकता हूँ।
फिर यहाँ पर हमारे पास आता है क्लस्टर्स। क्लस्टर्स का मतलब ये कि बहुत सारे गूगल के पेजेस को स्कैन करता है, देखता है कि एक ही कीवर्ड के लिए यहाँ पे कौन कौन से आर्टिकल्स रैंक कर रहे हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स के लिए रैंक कर रहे हैं, एंड देन उसको यहाँ पे क्लब करके बता देता है। तो बेसिकली हमें ये चीज़ बताता है कि अगर आप लोग यहाँ पे कोई एक आर्टिकल लिख रहे हो, आपका एक मेन कीवर्ड है, उसमें आपको और कौन कौन से कीवर्ड्स को इंक्लूड करना चाहिए ताकि वो आपके मेन कीवर्ड के लिए तो रैंक करे ही करे, बट जो आपने सेकेंडरी कीवर्ड्स अपने आर्टिकल में इंक्लूड करे हैं उसके लिए भी वो रैंक करे। तो इस चीज से एक तो जो आपको मेन कीवर्ड है उसकी भी सर्च वॉल्यूम मिल जाती है, एंड देन जो आपके सेकेंडरी कीवर्ड्स है उसकी भी सर्च वॉल्यूम आपको मिल जाती है। फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने इसका क्लस्टर जनरेट किया है, एंड देन एक कीवर्ड है यहां पर लेडीज लगेज। तो लेडीज़ लगेज पे अगर मैं यहाँ पे टारगेट करता हूँ तो मैं यहाँ पे ट्रैवल बैग फॉर गर्ल्स ये भी डाल सकता हूँ कीवर्ड, ट्रैवल बैग फॉर वुमेन, लेडीज़ लगेज बैग, वुमेन्स लगेज, लेडीज़ लगेज, ये सारे कीवर्ड्स को मैं इंक्लूड कर सकता हूँ ताकि जो मेरा आर्टिकल है वो इन सारे कीवर्ड्स के लिए यहाँ पर रैंक करे। और अगर मेरा आर्टिकल इन सारे कीवर्ड्स के लिए रैंक करना स्टार्ट कर देगा तो मुझे अराउंड इसमें यहाँ पे वॉल्यूम मिलेगी 12,600 की लगभग। इससे पहले मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूं, मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मुझे राइटरज़ेन ने इस वीडियो के लिए स्पॉन्सर नहीं किया है। जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, और अगर आपको अच्छा लगता है मेरा काम तो आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं मेरे नीचे दिए गए लिंक से परचेज करके, इससे मुझे थोड़ी कमीशन मिलती है बिना कुछ आपके एक्स्ट्रा कॉस्ट पे किए हुए। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इसके अगले फीचर के बारे में, वो है कॉन्टेंट क्रिएटर। तो मेरे हिसाब से ये जो अभी फीचर है ये एट प्रेजेंट इतना अच्छा नहीं है, ये इररेलीवेंट कीवर्ड्स मुझे सजेस्ट कर रहा था। इसकी यूआई अच्छी है लेकिन जो ये कॉन्टेंट हमें दे रहा है वो इट इज़ नॉट दैट गुड इन माई एक्सपीरियंस। यहाँ पर अभी इसको थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए मैं इसके बारे में अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, इनफैक्ट मैं बताऊँगा भी नहीं क्योंकि अभी इसको यूज़ करने का मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा फायदा नहीं है। फ्रेस और मार्केट म्यूज दोनों ही काफ़ी अच्छे टूल है इसके कंपैरिजन में, तो अभी फिलहाल अगर आप लोग इसको नहीं यूज़ करोगे तो भी आपको ज़्यादा यहाँ पर लॉस नहीं होगा। कंटेंट क्रिएटर के बाद जो हमारे पास इसका एक और फीचर आता है वो आता है प्लेगरिज्म चेकर। नाउ प्लेगरिज्म चेकर इसका अगेन ठीक ठाक लगा है मुझे। अगर मैं यहाँ पर एग्जैक्ट वर्ड्स का यूज़ करता हूँ तो ये आइडेंटिफाई कर लेता है अगर मैंने यहाँ पर एग्जैक्ट सेंटेंस का यूज़ किया है, लेकिन अगर मैं उसमें थोड़ा भी मिक्सअप कर लेता हूँ तो फिर ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक VPN का आर्टिकल है, नाउ इनके हिसाब से इसमें 0% प्लेगरिज्म है, किसी ने भी इसको यहाँ पर कुछ भी कॉपी नहीं किया है, बट जब मैंने इसी को Qtext से रिसर्च किया, Qtext जो कि एक काफ़ी पॉपुलर टूल है इस चीज़ के लिए, यहाँ पर इन्होंने बताया कि यहाँ पर 26% सिमिलैरिटी है। फॉर एग्जाम्पल सर्फ शार्क ने यहाँ पर कुछ कॉपी किया है, बीच में कुछ चेंज कर दिया एक सेंटेंस को। अब बात करते हैं हम लोग इसके क्रेडिट यूटिलाइजेशन के बारे में। तो जो $69 वाला प्लान है जो कि मेरे पास अभी है, यहाँ पर आपको ये सारे क्रेडिट्स मिलते हैं। अब अगर मैं इसको आसान भाषा में समझाऊँ तो जैसे ही मैं यहाँ पर जाता हूँ तो कंटेंट क्रिएटर, कितने कंटेंट क्रिएटर यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं पर मंथ, ये 70 है। कीवर्ड एक्सप्लोरर पर डे, कीवर्ड्स को यहाँ पे कितना हम लोग सर्च कर सकते हैं पर डे, वो है 250 अराउंड। एंड प्लेगरिज्म चेकर है, ये है अराउंड 40,000 वर्ड्स के लिए एक दिन में, जो कि काफ़ी अच्छा है। देन हमारे पास यहाँ पर आता है कीवर्ड क्रेडिट पर मंथ, ये दो जगह पे यूज़ होंगे। पहले तो जब भी आप लोग ऑल इन टाइटल के लिए सर्च करोगे तब इसको यूज़ किया जाएगा, एंड देन क्लस्टर्स को यूज़ करोगे तब यहाँ पर इसको यूज़ किया जाएगा। तो इसकी आपको अराउंड 200,000 मिलती है, लेकिन आप लोग इसको संभाल के यूज़ करिएगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड कंज्यूम कर लेता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे 2,800 कीवर्ड्स है, और अगर मैं यहाँ पे ऑल इन टाइटल करता हूँ तो फिर ये मेरे अराउंड 2,800 कीवर्ड क्रेडिट्स ले लेगा। और अगर सेम मैं यहाँ पे क्लस्टर पे क्लिक करूँ एंड देन क्लस्टर में इसके देखूँ तो अगेन ये यहाँ पर भी मेरे अराउंड 2,800 कीवर्ड्स चले जाएंगे। तो एक बार यहाँ पर इस टूल को यूज़ करके देख लीजिएगा एंड देन कीवर्ड यूटिलाइजेशन को ट्रैक कर लीजिएगा कि कहाँ पर आपके कितने कीवर्ड्स लग रहे हैं। बेसिकली ऑल इन टाइटल और क्लस्टर्स को तभी यूज़ करिएगा जब उसकी नेसेसिटी हो या फिर स्टार्टिंग में जब आप लोग सीख रहे हो। अब इससे पहले मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करूं, अगर अभी तक आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको थम्स अप जरूर दे दीजिएगा। अब अगर मैं इसके कुछ प्रोज की बात करूं तो इसका यूज़र इंटरफेस काफ़ी अच्छा है, ऑल इन टाइटल और KGR रेशियो की फंक्शनैलिटी मिल जाती है इस टूल के अंदर। प्राइसिंग इसकी एट प्रेजेंट काफ़ी अफोर्डेबल है, $69 में लाइफ टाइम के लिए मिल रही है आपको। लिमिट्स जो एट प्रेजेंट मिल रही है वो भी अच्छी है, कुछ आपको यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। टॉपिक एक्सप्लोरर इनका काफ़ी अच्छा है और जो एक क्लस्टर सजेस्ट कर रहे हैं वो भी अच्छे हैं। अब अगर मैं इसके कुछ कॉन्स की बात करूँ तो जो इसका कॉन्टेंट क्रिएटर वाला एरिया है वो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा है। बैकलिंक्स की यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, कॉम्पिटिटर एनालिसिस भी नहीं कर पाओगे, और प्लेगरिज्म चेकर भी मुझे इसका इतना अच्छा नहीं लगा है। सो व्हाट्स द बॉटम लाइन, क्या ये वाला टूल आपको खरीदना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर आप लोग एक बिगिनर हो और आपके पास कोई भी टूल नहीं है सर्च करने के लिए, कीवर्ड रिसर्च करने के लिए, तो फिर डेफिनेटली आप लोग इस टूल की तरफ देख सकते हो। कीवर्ड रिसर्च में ऑल इन टाइटल, KGR रेशियो, क्लस्टर्स में काफ़ी काम में आएगा एंड अफोर्डेबल भी है। तो डेफिनेटली अगर आप लोग ब्लॉगिंग कर रहे हो, आपके पास कोई कीवर्ड रिसर्च टूल नहीं है, तो फिर इसमें इन्वेस्ट करना बनता है।
अगर आपको बैकलिंक्स भी चाहिए तो फिर आप लोग ऊबर सजेस्ट की तरफ जा सकते हो, वो भी एक अच्छा टूल है। बैकलिंक्स नहीं चाहिए तो फिर इसकी तरह इससे स्टार्ट कर सकते हो। और कंटेंट क्रिएशन के लिए फिलहाल इतना अच्छा नहीं है, तो अगर आप लोग फ्रेस और मार्केट न्यूज ले सकते हो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको थम्स अप दे सकते हैं, मेरे नीचे दिए गए लिंक से बाय कर सकते हैं मुझे सपोर्ट करने के लिए, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।